subscribe and click the bell icon for television updates. ओके सर समृद, आज लास्ट डे है शो का, क्या कहना चाहोगे? वेल लास्ट डे है शो का और आई डोंट नो, इट्स ओके. मतलब जर्नी छोटी थी बट अच्छी थी. बेसिकली मेरा मानना ये है कि हर चीज़ शुरू होती है एंड में ख़त्म होने के लिए, लेकिन वो ख़त्म अच्छे से होना चाहिए और वो मेरे ख्याल से शो को हो रहा है. अच्छे से स्टोरी भी एंड हुआ है और हमें भी शूट करने में मज़ा आया है. तो इट वॉज अ गुड जर्नी, या वी एंजॉयड. शो बहुत जल्दी ऑफर जा रहा है, सो इसके लिए जब आपने सुना ऑफर जाने वाला है शो, तो इस क्या रिएक्शन था सबसे पहला? वेल इट्स ओके यार, मतलब सब ट्राई कर रहे थे, अभी ऑफर जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, सारे शोज ऑफर जाते हैं तो हमारा भी जा रहा है. एंड हमें पता लगा था इससे पहले कलर्स के टाइम पे भी, जब ये कलर्स पे आ रहा था कि शायद ख़त्म होएगा, लेकिन फिर उसको मूड पे डाला तो ऑब्वियसली पीपल आर ट्राइंग. इससे दिख रहा है कि एवरीवन ट्राइड द बेस्ट. हमने स्टोरीज में भी चेंजेस किए, सब किया, लोगों ने पसंद भी किया, ऐसा नहीं है कोई पसंद नहीं कर रहा. हमें तो यू नो सोशल मीडिया पे वैसे सबको पसंद आ रहा है, बट हाँ जो आपने उम्मीद रखी उस पर खरा नहीं उतरा तो कोई बात नहीं. हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जर्नी चाहे छोटी रही लेकिन अच्छी रही. जब मैंने बोला अच्छी रही तो मैं सेट पे जब मैंने बोला मज़ा आता है तो इसी चीज़ का मज़ा आ रहा है कि जो मेरी हमारी टीम है और हमारे जो को एक्टर्स हैं शिवांगी, रणदीप और बाकी सब भी जो हैं, उनके साथ मज़ा बड़ा आया. तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि अरे नहीं यार ओहो क्या हो गया, शो भी बंद हो रहा है, मज़ा भी नहीं आया, वो वाली चीज़ नहीं है. जितना भी किया मज़ा ही आया एंड दे बीन लवली को एक्टर्स एंड फ्रेंड्स. सो लाइक वी हैड फन, हम लोग आते थे, बातें करते थे, चिल करते थे, शूट करते थे, जाते थे. तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से माहौल काम का, एंड वो वैसे ही रहा. सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले अगर आपकी अगर बात की जाए? मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो गई थी. मैं सुबह 5 बजे उठता था और मैं वर्कआउट करता था, खाना खाता था. वो मिस करने वाला क्योंकि मैं कल सब ख़राब करने वाला हूँ. थोड़े टाइम तो मैं थोड़ा ऑफ लूँगा और मैं आराम से उठूँगा. मैं एक दो दिन जिम स्किप करूँगा और मैं थोड़ा उल्टा सीधा खाऊँगा. सो या मेरी रूटीन मैं मिस करने वाला हूँ. शो के बाद थोड़ा एक कहना कि आपने गैप लिया था जी, के बाद और फैंस बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहे थे कि समृद्ध कब नजर आएंगे, कब और फिर आप जिगर के अवतार में नजर आएंगे. तो क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्टर को भी बहुत सारी उम्मीदें होती है कई बार की. हाँ नहीं, आइकॉनिक कैरेक्टर है, आइकॉनिक शो है. जी 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 जी, ऑब्वियसली ये जिन जो देख रहे थे उनको भी उम्मीद थी, हमें भी थी, जो बना रहे उनको भी थी. एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डाउनफॉल में गया है, ठीक है बंद जल्दी हो गया बट सब अच्छे से हुआ है. और स्वाभिमान के पास जैसे मैंने ब्रेक लिया था तो सबने बोला था कि कम बैक करना है, तो मैंने कम बैक के लिए ही ये शो लिया था कि भाई चलो ठीक है इट्स अ गुड कम बैक. एंड ऑब्वियसली जब कम बैक हुआ था सो पीपल रियली अप्रिशिएटेड. एंड मैं अगर ये बोलूँ एज जिगर जो मैंने किया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिगर प्ले करके आई थिंक क्या नहीं कर लिया है शो में, चाहे आप बोलो छोटी जर्नी थी, बट मैंने उसमें पॉजिटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, ग्रे भी कर लिया, रोमांस भी कर लिया, मैंने सब कर लिया, मैं अच्छा भी हो गया. तो जिगर के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था. तो आई थरली इन्जॉयड एज एन इंडिविजुअल माई जर्नी, एंड जिन्होंने मुझे देखा है वो लोग ने भी जिगर को पसंद किया, चाहे जिगर जब नेगेटिव था और चाहे जिगर जब पॉजिटिव हुआ है. तो फॉर मी आई वुड से इज अ विन विन सिचुएशन. काफी तरह के रियलिटी शोज भी चल रहे हैं जी, आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे किसी तरह का रियलिटी शो जिसका पार्ट आप बनना चाहते हैं या फिर ऑफर हुआ है ऐसा? मुझे पास में एक दो बार हुआ है बट मैंने उनको मतलब अभी ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव नहीं दिखाया, पता नहीं मेरे को जब लगता है मैं रेडी हूँगा तो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली मैं इंडस्ट्री में आया एक रियलिटी शो करके ही था, तो मुझे रियलिटी शो के बारे में मतलब आई नो हाउ इट वर्क्स एंड ऑल. तो नथिंग नेगेटिव, ऑब्वियसली रियलिटी शो करने में मज़ा ही आता है, बट आई डोंट नो मे बी अगर मुझे कल कुछ ऑफर आएगा एंड आई थिंक इट्स आई एम रेडी फॉर इट, मैं हाँ बोल दूँगा. अभी तो आज लास्ट डे है, आने तो दो कॉल मुझे, आज तो लास्ट डे है. मैं आपको बोला ना 2-3 दिन रूटीन ख़राब करूँगा मैं अपनी, उसके बाद मैं पाइपलाइन वापस है ना उसमें स्टार्ट करूँगा. बट या ऑनेस्टली मैंने एक दो जगह मेरी ऑनेस्टली अभी बात हुई भी है, बट अभी बात ही हुई है तो देखते हैं. जानने के लिए देखते रहिए, आई डोंट नो कहाँ. हाँ जिगर की तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा, आप सबने जिगर को बहुत प्यार दिया एंड जिगर को बहुत पसंद किया,
जो शिवांगी के जो व्यूज हैं उन्होंने भी मुझे पसंद किया, ये बोले कि आप परेशान करते हो शिवांगी को लेकिन हमें आप फिर भी अच्छे लगते हो, आपके लिए कोई और लड़की आ जानी चाहिए क्योंकि आप हमें अच्छे लगते हो, बट आनंदी को तंग मत करो। तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स और मैसेज आते हैं विच इज़ क्यूट, एंड वंदीप के साइड के भी हैं, मेरे साइड के भी हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिगर को ओवरऑल पसंद किया गया है, एंड मुझे भी जिगर करने में बहुत मज़ा आया है क्योंकि मुझे एज एन एक्टर बहुत एक्सप्लोर करने को मिला। सो आई जस्ट वॉन्ट थैंक एवरी वन, मैं जो भी करता हूँ आप लोग हमेशा मुझे पसंद करते हो, तो दिस इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू ऑल, क्योंकि मतलब हमेशा तारीफ ही करते रहते हो, अच्छा ही बोलते रहते हो। सो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एंड उससे मैं मुझे और यू नो ऐसा होता है कि मैं आप लोग के लिए और कुछ नया कोशिश करूँ उठाने की और उसे परफॉर्म करूँ। सो इसलिए मैं जी जान लगाता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, एंड मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है और मुझे कभी खोना नहीं है। सो कीप शॉपिंग लव, थैंक यू सो मच।